आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज व्हिच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हमें बताना है इनमें से कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। अगर हम मेटल्स की बात करें, इन जनरल हम पढ़ते हैं दैट मेटल्स आर सॉलिड, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बट हमसे पूछा गया है एक ऐसा मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर, बट हम इन जनरल पढ़ते हैं दैट मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे तो किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड स्टेट में रहेगा, एंड देयरफॉर इन जनरल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बट देयर इज एन एक्सेप्शन भी है। मर्क्यूरी इज द मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज -39°C। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट -39°C है, इसका मतलब है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में किस टेम्परेचर पर चला जाता है? -39°C, दैट इज बिलो रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर इज अबाउट 25°C, तो रूम टेम्परेचर से काफी लोअर टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट पर आ जाता है। इसका मतलब एट रूम टेम्परेचर इट स्टेज इन लिक्विड स्टेट, बिकॉज मर्क्यूरी मेटल हैज वीक बॉन्ड्स, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, देयरफॉर वीक बॉन्ड्स फॉर्म करता है, एंड हेंस इट स्टेज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए मर्क्यूरी। Fe इज द फॉर्मूला फॉर आयरन मेटल, Zn इज द फॉर्मूला फॉर जिंक मेटल, Hg इज द फॉर्मूला फॉर मर्क्यूरी मेटल, एंड Al इज द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम मेटल। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि द मर्क्यूरी इज द मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आयरन, जिंक एंड एल्यूमिनियम आर नॉट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दे आर इन सॉलिड स्टेट। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।